नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का टाइटल है, क्लास टेंथ की एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब चल रही, चैप्टर नंबर 2 है ये। यहाँ पे इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कैसे बढ़ी इसके बारे में जानेंगे। हालांकि इसके बारे में मैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, पहले मैंने इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाई हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें देखे जाके। अब अगर बात की जाए तो यूरोप में किस प्रकार से मॉडर्न नेशनलिज्म आया वो हमने देखा। जिस प्रकार से नेशन स्टेट्स यूरोप में बने, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठा के डिक्टेटरशिप को ही प्रमोट किया। चाहे आप बिस्मार्क की बात कर लो, चाहे कैसर विलियम की बात कर लो, चाहे फ्रांस के रूलर्स की बात कर लो, कहीं की भी अगर आप बात करो। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर एक भावना जगी। अभी कहाँ पे सही इस्तेमाल किया गया, कहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया, उसको ना देखते हुए नेशन स्टेट्स के कंसेप्ट में उठ के क्या आया कि कुछ लोगों के अंदर ये भावना जगी कि भाई वो अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेके आए बाकी लोगों के साथ। और ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत सारे फैक्टर्स पर आधारित थी, कॉमन कल्चर, कॉमन भाषा, कॉमन लीनिएज, कॉमन रेस, इन सब चीज़ों पे। फिर आप देखिए कि बहुत प्रकार के सिंबल्स और आइकन्स और सॉन्ग्स और आइडियाज़ उठे, जिसने लोगों के बीच में लिंक स्थापित किया और कम्युनिटीज़ की बाउंड्री को फिर से रिकॉग्नाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया, और एक कॉमन आइडेंटिटी के बेसिस पे बहुत से नेशन स्टेट्स बनने शुरू हो गए। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मैंने पहले समझाया है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझाया है, वहाँ पे हमने इस प्रोसेस को देखा। इंडिया में ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो यूनिटी की भावना है, ये कैसे उठी। इंडिया में ये यूनिटी की भावना यूरोप की तरह नहीं उठी, कुछ अलग तरीके से उठी। इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म उठा एज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, जो अंग्रेजों ने हमारी जिंदगी को तबाह कर रखा था, लूट रहे थे हमें, इस प्रोसेस के अगेंस्ट हमने जो आवाज़ उठाई, वहाँ से इंडियन यूनिटी की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रगल विद कोलोनियलिज्म था, कोलोनियलिज्म के साथ जो लड़ाई थी, उसमें लोगों ने अपनी यूनिटी को डिस्कवर करना शुरू किया। ओके, तो लोगों के अंदर ये भावना थी कि भाई कोलोनियलिज्म के अंदर हमको ऑप्रेस किया गया है, तो कहीं ना कहीं अलग ग्रुप्स को साथ में आके इस कोलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई करनी है। जब अलग ग्रुप्स साथ में आएंगे तो क्या प्रमोट होगा, नेशनल यूनिटी प्रमोट होगी। बहुत सारे हिस्टोरियंस का तो ये भी बोलना है कि अगर कॉलोनियल रूल अंग्रेजों का नहीं आता इंडिया में, तो हम एक कॉमन कंट्री बनते ही नहीं। तो अलग अलग ग्रुप्स ने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव देखा है, कॉमन टारगेट देखा, कॉलोनियलिज्म को हराना। लेकिन कॉलोनियलिज्म का जो इफेक्ट था, वो अलग अलग ग्रुप और अलग अलग क्लास पे अलग अलग प्रकार से पड़ा। और ये अलग अलग ग्रुप और अलग अलग क्लास ने इस कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट अलग अलग प्रकार से एक्शंस भी किए। आप देखोगे जब महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे लीड करेंगे, तो जो हमारे ट्राइबल इलाकों में जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, वो वॉयलेंस की तरफ उस मूवमेंट को लेके जाएंगे, जबकि महात्मा गांधी जी नॉन वॉयलेंस के सिद्धांत में मूवमेंट कर रहे थे। तो मतलब कि ये जो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट था अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रकार का था। अब जो राजे रजवाड़े थे, महाराजा बने बैठे थे अंग्रेजी राज के अंदर, वो भी इंडिया के ही रूलर्स थे, ठीक है, लोकल लेवल के, क्या उनको पसंद आ रहा था इस प्रकार का रेवोल्यूशन? ऑब्वियसली बात, उनको पसंद में नहीं आएगा, चूंकि उनकी भी अथॉरिटी जाएगी अगर अंग्रेजों की अथॉरिटी जाएगी। और वहीं पे गरीब किसान तबका है, उसको अंग्रेजी सरकार से ज़्यादा उस जमींदार से प्रॉब्लम है जो कि उससे टैक्स वसूलता है। तो हर अलग तबके की अपनी अलग प्रॉब्लम थी, और अलग अलग तबके के लोगों ने अलग अलग प्रकार से रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन अलग तबकों को मिला के एक बैनर कांग्रेस के अंदर लाने की कोशिश की महात्मा गांधी जी ने। लेकिन इस कोशिश में कुछ गड़बड़ें भी हुई हैं, कुछ मुसीबतें भी हुई हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो धर्म के नाम पर लड़ाई सबसे कॉमन है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अब तक नहीं किया है तो। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोज़ मिल जाएगी। अगर फायदा लग रहा है तो आप ज़रूर ज्वाइन बटन दबाएँ, उससे ज़रूर मदद मिलती। नहीं बता सकते कोई ज़रूरत नहीं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अलग अलग फोटोज़ वीडियोज़ मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई देख के आगे आने वाले समय में लाइव आके मैं आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए, जो भी मैं करंट अफेयर्स वगैरह के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो हमने इंडिया में नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी, कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी के पहले डिकेड तक देखिए, पहले के एनसीईआरटीज में, पहले के एनसीईआरटीज नहीं देखी, अब जाके देखिए। 1920s के बाद ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, उसके बेसिक फीचर्स हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप बात करो तो कांग्रेस ने कैसे नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया, और इसके रिस्पेक्ट में जो मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना रखी ना, उनके रेफरेंसेस, उनके लिंक्स भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो देश में
बड़े स्केल पे नेशनल मूवमेंट को लेके आना चाह रही थी। अलग अलग सोशल ग्रुप्स मिल के इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी जी का एफर्ट था। अगर आप बात करो, ये फोटो नज़र आ रही है आपको 1 से 6 अप्रैल 1919 तक की, इस समय तक मास प्रोसेशंस इंडिया में होना बहुत कॉमन बात हो चुकी थी नेशनल मूवमेंट के दौरान। लेकिन नेशनल मूवमेंट के फेसेस अलग अलग थे। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, 1914 से 1918 खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1919 के बाद की अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो नेशनल मूवमेंट अलग अलग जगहों पे बहुत तेज़ी से फैलने लगा, नए सोशल ग्रुप्स जुड़ने लगे, नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल आने लगे, और इसके लिए एक इंसान बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल था और वो थे हमारे प्यारे गांधी जी, जो कि जनवरी 1915 में ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे। अभी ये डेवलपमेंट्स 1919 के समय पे कैसे हुए और इनके क्या क्या इफेक्ट्स थे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आके खड़ी हुई। इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की जाए तो अंग्रेजी सरकार वॉर को लड़ने के लिए ठीक ठाक खर्चा कर रही थी, और इस ठीक ठाक खर्चे के लिए पैसा खत्म होता है। ये पैसा कहाँ से वसूलेगी अंग्रेजी सरकार? तो जो उनकी कॉलोनीज है वहाँ से वसूलेगी। तो इंडिया के ऊपर, इंडिया में लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए गए। इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखोगे कोई भी बिजनेस आप कह रहे हो चल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाना, लोगों के ऊपर ज़्यादा एग्रीकल्चरल टैक्स लगाना। तो जब टैक्सेस ज़्यादा लग जाएंगे, पैदावार उतनी होगी नहीं, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इंडिया में चीज़ें महंगी होने लगी। 1913 से लेकर 1918 के बीच में नॉर्मल चीज़ों के दाम दुगने होने लगे, लोगों की कमाइयाँ हो नहीं रही हैं, दाम दुगने हो रहे हैं। उसके ऊपर से ये अंग्रेज़ क्या करते थे कि गाँव में जाते थे, अभी वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो थोक के भाव लोग मर रहे हैं, तो सोल्जर्स चाहिए, तो गाँव में जा जाके हर फैमिली में से भी जो हट्टा कट्टा लड़का था उसको रिक्रूट कर लेते थे अपनी आर्मी में। इसको बोला गया फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, तो फैमिली बोल रही, वो लड़का बोल रहा है कि मुझे नहीं लड़ना, उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं कि लड़ना पड़ेगा। तो लोगों के बीच में गुस्सा था कि भाई ये तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कॉलोनियल स्टेट अपनी आर्मी में ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट कर रहा है, अगर पर्सन नहीं जाएगा तो उसको धमका रहे हैं कि तुम्हारे घर वालों को परेशान करेंगे, तुम्हारी ज़मीनें छीन लेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें होने लगी जिससे लोग नाराज़ होने लगे। ओके, और ये सब बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से किया ब्रिटिशर्स ने। पहले झांसा दिया पैसों का, और पैसे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा। अभी उस समय पे लोग इतने गरीब थे कि थोड़े बहुत पैसे भी उनको बहुत ज़्यादा लगते थे। जो ना जाना चाहे उसको धमकाना, अलग अलग प्रकार से उसको परेशान करना, ये सब चीज़ें कॉमन थी, लोग नाराज़ होने लगे। 1918-19 से लेकर 1920-21 में आप देखोगे कि देश के बहुत से हिस्सों में जो क्रॉप्स थी वो फेल होने लगी, खाने की कमी पड़ने लगी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला। 1921 का अगर आप सेंसस देखोगे तो 12 से 13 मिलियन पीपल यानी 1,20,00,000 से 1,30,00,000 लोग फेमिन्स और एपिडेमिक की वजह से इंडिया में मर गए। अब यहाँ पे आप देखो तो वॉर के समय पे लोगों के हालात ख़राब हुए, जब वॉर ख़त्म हो गया तो लोगों को लगा कि हालात ठीक हो जाएंगे, बट हालात ठीक हुए नहीं, कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। अभी ऐसे समय पे एक नया लीडर स्टेज पे आएगा और एक नए फॉर्म के स्ट्रगल की यहाँ पे बात करेगा, और जो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल सामने निकल के आएगा उसको बोला जाएगा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी की बात करें तो ये इंडिया में लौट के आए जनवरी 1915 को, ठीक है। साउथ अफ्रीका में गए थे एज ए लॉयर, साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक बड़ा आप कह सकते हो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लीड किया, बट ऑब्वियसली बात है साउथ अफ्रीका में इनके सक्सेस के चांसेस थोड़े कम थे। ये साउथ अफ्रीका के नेटिव तो थे नहीं, ये इंडिया के नेटिव थे, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के लोग इनको फॉलो करते थे बट इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे। तो वैसे भी साउथ अफ्रीका में एक लिमिट से ज़्यादा गांधी जी का सक्सेसफुल होना मुश्किल था, बट ठीक ठाक सक्सेसफुल हुए गांधी जी साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, मेरे नाम हर्ष द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि गांधी जी का क्या रोल रहा है, कैसे साउथ अफ्रीका में वो एक लीडर में ट्रांसफॉर्म हुए, नटाल इंडिया कांग्रेस, फिर ट्रांसवॉल, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट, फीनिक्स फॉर्म्स, टोस्टोय फॉर्म्स, एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। इसके साथ साथ बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी मैंने बना रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं, इससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा महात्मा गांधी जी का क्या रोल रहा है आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे उन्होंने एक आप कह सकते हो बहुत से मूवमेंट्स किए थे। एक मूवमेंट ये था इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका, इंडियन वर्कर्स ने एक मार्च की थी वॉलक्रस्ट नाम की जगह है 6 नवंबर 2013 को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू कैसल टू ट्रांसवॉल गए थे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया था, और जब महात्मा गांधी जी अरेस्ट हो गए थे बहुत सारे सत्याग्रही इस मूवमेंट से जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं गांधी जी एज अ लीडर उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया साउथ अफ्रीका में।
ओके, तो साउथ अफ्रीका के रेशियल रिजीम के अगेंस्ट एक नॉवल मेथड उन्होंने इजाद किया मास एजिटेशन का, जिसको नाम दिया गया सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या था? पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई पे भरोसा रखो और सच्चाई की खोज में रहो। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये थी कि अगर आप किसी सच्चाई की चीज के लिए लड़ रहे हो, अगर आप कॉज ऑफ जिस कॉज के लिए आप लड़ रहे हो वो कॉज अगर सच है, तो आपका जो स्ट्रगल है ना अगेंस्ट इनजस्टिस, उसमें आपको फिजिकल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल कर एजिटेशन में क्या देखा जाता है कि अगर आप वॉयलेंस होते रहो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एजुकेशन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ये भैया रेवोल्यूशनरी लीडर्स, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने वायलेंस का रास्ता चुना। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने नॉन वायलेंस का रास्ता चुना। तो अब वायलेंस कर रहे हो अगर आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो पलट के वायलेंस होगा। तो भाई इसके लिए हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, दिमाग में जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। गांधी जी का क्या बोलना है? नॉन वायलेंस, मतलब कि पलट, सामने वाला आपको पलट के मार रहा है लेकिन आपको उसको नहीं मारना है। तो गांधी जी का बोलना है कि जो सत्याग्रह का तरीका है ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको सामने से पड़ रहे हैं, आप पिट रहे हो, लेकिन आपको पलट के नहीं मारना है। मतलब सत्याग्रह में आपको किसी भी प्रकार के फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेसर के साथ लड़ने के लिए। मतलब कि बिना किसी बदले की भावना के, बिना अग्रेसिव हुए, एक सत्याग्रही एक बैटल को जीत सकता है बिना किसी वायलेंस के, नॉन वायलेंस के थ्रू। और इसके कैसे करना है कि आप अपने अपोजिशन के कंसियंस पे वार करो, उनके इंटरनल फीलिंग पे वार करो, इनर सेंस पे, इनर फीलिंग पे वार करो, वार करो। ये बोलना था गांधी जी का, ठीक है ना भाई? मतलब यहाँ पे गांधी जी सामने वाला जो आपका ऑप्रेसर है उसको कन्विंस करने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको सच दिखाने की बात कर रहा है, और ये आप नॉन वायलेंस के थ्रू ही कर सकते हो। अगर आप वायलेंस करने लगोगे तो सामने वाला कभी भी सच को नहीं समझ पाएगा। और फाइनली गांधी जी का ये बोलना है कि एंड में जीत ट्रुथ की ही होगी। गांधी जी का क्या बोलना था कि भाई धर्म ऑफ नॉन वायलेंस पे भरोसा रखो, इससे सारे इंडियंस को मिलाया जा सकता है। ओके, तो इंडिया में जब गांधी जी आ गए उसके बाद उन्होंने बहुत से सत्याग्रह मूवमेंट्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। 1917 में वो चंपारण गए, चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी, चंपारण सत्याग्रह 1917 टिन खतिया सिस्टम, इंग्लिश इंडियन दोनों में है ये वीडियोस। ओके, इसके रिस्पेक्ट में मैंने स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री में बात की, जिसने मेरे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज देखी उसने उस वीडियो को भी देखा होगा। आगे बात की जाए तो भाई 1917 में ही एक सत्याग्रह हुआ गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको भाई खेड़ा सत्याग्रह बोला गया, तो खेड़ा सत्याग्रह के भी ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी, आप देखिए यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 2018 के प्लेग, बोनस विड्रॉल, इसी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, रोलैट एक्ट 1919 को मैंने अपनी V86 वाली स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में भी कवर किया। खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना रखी है लगभग 2 साल पहले, ये आपको यहाँ पे उसका लिंक दिख रहा है। तो आप इन वीडियोस को देख के अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं प्रिसाइजली ब्रशअप कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिख रखी हैं, तो साथ साथ मैंने और भी रेफरेंसेस दिए हैं जिसके रिस्पेक्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको डेफिनेटली मदद करेगी। अब महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह पे क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि भाई कुछ लोगों को लगता है कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है ना, ये कमजोर का हथियार है। जो वायलेंस करने वाला आदमी को क्या बोलेगा कि सामने वाले को मारो, तो उसने हमको 2 घूसे मारे, हम उसको पलट के 3 घूसे मारेंगे, ताकत का शो है। गांधी जी ने बोला नहीं भाई, ये ताकत का शो नहीं है। गांधी जी के हिसाब से ताकत क्या है कि सामने वाला तुमको मार रहा है लेकिन तुम उसको पलट के नहीं मार रहे हो, बट अपनी जगह भी नहीं छोड़ रहे हो, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों नहीं चली जाए। तो जो पलट के मारने वाला आदमी है वो बिना मार खाने वाले आदमी को क्या बोलेगा? वीक बोलेगा। पैसिव रेजिस्टेंस यही बोलता है कि आप पलट के मत मारो, सामने से मार खाते रहो और आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करो, कभी ना कभी सामने वाला मारना बंद कर देगा, आप उसको समझा पाओगे अपने पॉइंट को। तो जो वायलेंस करने वाले लोग हैं वो पैसिव रेजिस्टेंस को वीक बोलेंगे, बट गांधी जी का बोलना है कि वीक नहीं है, पैसिव रेजिस्टेंस के लिए तो और ताकत चाहिए, इट इज़ अ वेरी इंटेंस एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे आप मार खा रहे हो और मार खा खा के सामने वाले चीज़ को आपको समझाना है। और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में इस स्किल को मास्टर किया गांधी जी ने। गांधी जी का बोलना है कि जो सत्याग्रही फिजिकल फोर्स नहीं है, सत्याग्रही को सामने वाले अपोनेंट को पेन नहीं इन्फ्लिक्ट करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसके प्रति कोई घृणा या फिर आप कह सकते हो कि मतलब घृणा या इलविल जैसी कोई भी भावना नहीं रखनी, क्योंकि सत्याग्रही तो प्योर सोल फोर्स है और इसके बेस पे आता है क्या? सच, ट्रुथ, इसीलिए इसको सत्याग्रह कहा जाता है।
सत्याग्रह में क्या होता है कि भाई नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, फ्लेम ऑफ लव होना चाहिए, यही सुप्रीम धर्म है। इस केस में यहाँ पे गांधी जी का ये भी बोलना है कि भाई इंडिया देखिए लड़ाई के रिस्पेक्ट में ब्रिटेन या यूरोप से टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि ब्रिटेन और यूरोप इंडिया से साइंटिफिकली ज़्यादा एडवांस थे, उनके पास ज़्यादा एडवांस वेपन्स थे। तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो वॉर गॉड बने फिर रहे हैं तो हम बिना लड़े ही उनको हरा सकते हैं। कहने मतलब यहाँ पे ये है कि गांधी जी पूरे देश के लिए नॉन वायलेंस को एक एजेंडा, एक हथियार बनाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं गांधी जी ने बनाया भी। हालांकि सबने आँख बंद करके गांधी जी को फॉलो नहीं किया, और धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा था गांधी जी भी थोड़े थोड़े एग्रेसिव होते जा रहे थे। जैसे कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट पे बहुत सारा वायलेंस हुआ तब गांधी जी ने उसको रोका नहीं, क्योंकि गांधी जी को पता चल गया था कि अब इस चीज़ को रोकना सही नहीं है। फिर बात करते हैं किसकी, रोलेट एक्ट की। जब शुरुआत में गांधी जी के प्लान सक्सेसफुल होना शुरू हुए, चाहे आप खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लो, चाहे चंपारण सत्याग्रह की बात करो, चाहे आप अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करो, उसके बाद गांधी जी ने 1919 में एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। रोलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको अपनी स्पेक्ट्रम की सीरीज में ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है, और भी मैंने वीडियोज बना रखी रोलेट एक्ट पर, नाम हर्ष द्विवेदी सर यूट्यूब में सर्च मारिए आपको मिल जाएगी। तो रोलेट एक्ट में क्या हुआ कि जब इस रोलेट एक्ट को पास कराया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो जो इंडियन मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो रोलेट एक्ट को अपोज कर रहे थे, लेकिन उनके अपोजिशन के बाद भी रोलेट एक्ट पास करा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और इस रोलेट एक्ट के अंदर जो अंग्रेजी सरकार थी उसको जबरदस्त ताकत दी गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए। ओके, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उठा के आप जेल में डाल सकते हो, 2 साल तक के लिए किसी भी ट्रायल की जरूरत नहीं, इस प्रकार के बहुत हार्श मेजर्स को यहाँ पे इम्पोज किया गया। गांधी जी ने बोला कि भाई ये अनजस्ट वॉर्स नहीं चल पाएंगे, हम इसके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। चूंकि गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया पिछले 3-4 बार से सक्सेसफुल भी हो रहा था, तो गांधी जी ने बोला कि यहाँ पे भी मैं सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू ही अंग्रेजों को हराऊंगा। और एक हड़ताल शुरू हुई 6 अप्रैल को, अलग अलग सिटीज में रैलीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई, वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, रेलवे वर्कशॉप्स में शॉप्स बंद होने लगी, पॉपुलर अपसर्ज बढ़ने लगा। ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भाई ये तो मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, खतरनाक हो सकता है। तो कल की डेट में ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जो इंडियंस हैं ये रेलवे लाइंस तोड़ सकते हैं, टेलीग्राफ लाइंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इससे जो अंग्रेजी सरकार है वो री इन्फोर्समेंट नहीं बुला पाएगी, नई फोर्सेज नहीं बुला पाएगी अगर किसी एक पर्टिकुलर इलाके में ज़्यादा बवाल हो जाता है। तो इसीलिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि भाई ये जो रोलेट एक्ट के लीडर्स थे, रोलेट सत्याग्रह के जो लीडर्स थे, इनको एक एक करके अरेस्ट करना शुरू किया। महात्मा गांधी जी को दिल्ली में एंट्री नहीं दी गई, अमृतसर के लोकल लीडर्स को उठा लिया गया, क्योंकि पंजाब में ये जो पंजाब का जो इलाका है ना, यहाँ पे रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो डिमॉन्स्ट्रेशन थे वो काफ़ी एक्टिव थे। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में गोली चला दी एक पीसफुल प्रोसेशन में। जब कुछ लोगों की जान चली गई तो लोगों को गुस्सा है, लोग बैंकों पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक करने लगे। यहाँ पे जनरल डायर आएगा पावर में, मार्शल लॉ इम्पोज हो जाएगा। और 13 अप्रैल को एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा जिसका नाम होगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये आपको कुछ वीडियोस दिख रही हैं जो कि मैंने जलियांवाला बाग पे बना रखी, जलियांवाला बाग ट्रेजडी 1919, हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो है। साथ साथ जो V87 वाली वीडियो है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, वहाँ पे भी मैंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919, उधम सिंह के रोल, रोलेट सत्याग्रह, इन सब चीज़ों के बारे में पहले बात की है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो। तो 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। हुआ क्या था इस दिन कि एक बहुत बड़ा क्राउड था वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ। अब जलियांवाला बाग में कोई एग्जिट गेट नहीं था, जो थे भी वो पूरी तरीके से बंद थे, तो लोग इनक्लोज हो गए थे और सिर्फ एक तरफ से नैरो एंट्रेंस थी। इस नैरो एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया जनरल डायर ने, और उसने उसी ब्लॉकेज पॉइंट पे सोल्जर्स को खड़े करके गोलियां चलवानी शुरू कर दी। ठीक है ना भाई, अब इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों आए थे जलियांवाला बाग में? कुछ लोग तो जो मार्शल लॉ लगा था उसके अगेंस्ट एजिटेशन करने आए थे, और कुछ लोग इसलिए आए थे क्योंकि उस दिन बैसाखी का त्यौहार था, और बैसाखी के त्यौहार में पंजाब के आसपास के गाँव के लोग भी इस इलाके में आते थे, और उनको मार्शल लॉ के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, क्योंकि उस समय पे इंटरनेट तो था नहीं, पत्रिकाएं छपती थी और पत्रिकाएं कितने ही लोगों को पढ़नी आती हैं, और कौन इंटरेस्टेड रहता है पत्रिकाएं करने में उस समय पे, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कम ही होती थी, तो लोगों को बेसिकली जानकारी नहीं थी। तो लोग उठ के ऐसे त्यौहार मनाने चले और वहाँ पे गोलियां तलतलाना शुरू हो गई। ओके, हंड्रेड्स इनफैक्ट थाउजेंड्स की तादाद में यहाँ पे लोग
मरे थे। जनरल डायर से जब पूछा गया कि तुमने ये गोलियां क्यों चलाई, तो उसने ये बोला कि मैं एक टेरर और ऑ की फीलिंग फैलाना चाहता हूँ उन लोगों के बीच में, ताकि लोग अंग्रेजी सरकार से डरें। ये बात यहाँ पे बोली गई। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, वैसे वैसे हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्राइक्स हुई, पुलिस के साथ लड़ाई हुई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक हुआ, और यहाँ पर भी सरकार ने ब्रूटल रिप्रेशन किया। यहाँ पर सरकार लोगों को डराना चाहते थे, सत्याग्रही को पकड़ पकड़ के मारना, उनकी नाक को ज़मीन में रगड़वाना, उनको स्ट्रीट्स पे क्रॉल करवाना। एक कोई लेडी थी, उसके ऊपर किसी ने इंडिसेंट कमेंट पास कर दिए थे। जनरल डायर ने ऑर्डर इशू किया कि भाई इसके घर के सामने से निकलोगे तो क्रॉल करते हुए निकलोगे। हालांकि ये इवेंट पहले भी हुआ था, बाद में लोगों से क्रॉल करवाना नॉर्मल वो बन गया था, फैशन बन गया था। देखिए यहाँ पे जनरल डायर का क्रॉलिंग ऑर्डर इशू किया था। अमृतसर में ये फोल्जर्स क्या कर रहे हैं कि इस इंडियन को क्रॉल करवा रहे हैं ज़मीन पर, मतलब ये खड़े होकर चल नहीं सकता। फिर लोगों की ओपन फ्लॉगिंग होती थी, मतलब उनकी शर्ट उतार के उनको स्टिक से बांध करके खुलेआम कोड़े मारते थे। गुजरनवाला नाम की जो जगह है पंजाब में, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में, उस समय पर आप देखिए कोई पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो थी नहीं, आज बन गई है। तो गुजरनवाला नाम की जगह पे बमबारी भी हुई, वायलेंस बहुत फैल गया। और जब इस रोलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट इतना ब्रूटल रिप्रेशन सामने निकल के आया, तब ये लगा कि भाई वायलेंस बढ़ रहा है। और गांधी जी का जो पूरा का पूरा मोमेंट है वो रहता है भैया नॉन वायलेंस पे। गांधी जी का बोलना है कि ये जो रोलेट सत्याग्रह है ये अपने इंटेंडेड पर्पस से भटक गया, कहीं ना कहीं उन्होंने रोलेट सत्याग्रह को यहाँ पे वापस ले लिया। और गांधी जी ने इसको एक ब्लंडर बोला था उस समय पे कि भाई गलती हो गई इस रोलेट सत्याग्रह को प्रोमोलगेट करके, हिमालयन ब्लंडर। आगे बात की जाए, ये जो रोलर सत्याग्रह था एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि सिटीज टाउन्स में ही फैला था, ज़्यादा गांव के इलाकों में ये नहीं पहुंच पाया। गांधी जी को पता चला कि किसी भी मास मूवमेंट को अगर फैलाना है तो शहरों के साथ साथ गांव को भी अपनी चपेट में लाना पड़ेगा। और यहाँ पे गांधी जी को एक और चीज़ समझ में आ गई थी कि कोई भी मूवमेंट बिना हिंदूज और मुस्लिम्स की कंबाइंड पावर के सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पे खिलाफत के इशू को भी टेकअप करने की कोशिश की। आप देखोगे जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो ओटोमन अम्पायर था वो हार गया था। ओटोमन अम्पायर की टेरिटरीज को कॉलोनियल पावर्स जो एलाइज थे, जो कि जीते थे, उन्होंने अपने आप में बांट दिया। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि ओटोमन का जो खलीफा था, कैलिफेट था, जिसको बोला जाता था स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ये कहाँ बैठता था, तो कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तानबुल नाम की जगह है, वहाँ बैठता था। अभी खलीफा की ताकत छीन ली इन एलाइड पावर्स ने। जब खलीफा की ताकत यहाँ पे छीन ली गई, तब इंडिया में मुस्लिम्स एजिटेशन करने लगे। ओके, इंडिया में मुस्लिम्स बोलने लगे कि भाई ये तो हमारे स्पिरिचुअल और धार्मिक गुरु हैं, आप इनकी ताकत को छीन ले रहे हो। आप सोचिए, इंडिया में एजिटेशन हो रहा है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स को ओटोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज मिली थी वो इंडिया के एजिटेशन के लिए ब्रिटिशर्स छोड़ देंगे? ऑब्वियसली बात नहीं छोड़ेंगे। कैलिफेट को जब ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश किया, या फिर कैलिफेट की पावर्स को जब ब्रिटिशर्स ने छीना, तो उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया में एजिटेशन हुआ। लेकिन जब टर्की के ही डिक्टेटर मुस्तफ़ा केमल आतातुर्क साहब ने इस कैलिफेट की प्रथा को अबॉलिश कर दिया और डेमोक्रेसी को स्टार्टअप किया, तब कैलिफेट को अबॉलिश करने वाली डिमांड या रीइंस्टेट करने वाली डिमांड इंडिया में नहीं लाई गई। मतलब कि जब अलाइड पावर्स ने ओटोमन एम्पायर को आपस में बांट दिया और खलीफा की ताकतें छीन ली, तब इंडिया में एजिटेशन हुआ। लेकिन जब मुस्तफ़ा केमल आतातुर्क ने खुद ही कैलिफेट को अबॉलिश कर दिया, तब कोई वेजिटेशन नहीं हुआ दुनिया भर में। समझ गए? फिर आप यहाँ पे देखिए कि इस खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए इंडिया में एजिटेशन हुआ और इंडिया में खिलाफत कमिटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1919 में। यहाँ पे एक यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स निकल के आ रहे थे। दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली की शुरुआत में काफ़ी अच्छी, आप कह सकते हैं कि बॉन्डिंग थी महात्मा गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी जी के साथ मिलके मोहम्मद अली और शौकत अली ने बोला कि भाई मिलके काम करते हैं। गांधी जी एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे नेशनल मूवमेंट में वो मुस्लिम्स को भी खींच सके, क्योंकि गांधी जी इस बात को जानते थे कि कोई भी नेशनल मूवमेंट हिंदूज और मुस्लिम्स के कम्बाइंड पावर से ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम्स को एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अंदर लाने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत के इशू को साथ में जोड़ दिया। कलकत्ता सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का सितंबर 1920 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी लीडर्स
को ये बोला गांधी जी ने कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना है और इसको खिलाफत के साथ मिला के शुरू करना है, और इसकी ये करने में गांधी जी को काफ़ी मेहनत लगी थी। आसान नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी लीडर्स को इस बात पर कन्विंस करना कि एक मुस्लिम रिलीजियस इशू को आप देश की आज़ादी के इशू के साथ जोड़ दें। और उस समय पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देश की आज़ादी के लिए नहीं था, डोमिनियन स्टेटस के लिए था, याद रखिएगा, समझ गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूर्ण स्वराज के लिए था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डोमिनियन स्टेटस के लिए था। आगे बात की जाए वाई नॉन कॉपरेशन। गांधी जी ने किताब लिखी हिंदू स्वराज नाम की, 1909 में छपी। वहां पे गांधी जी ने इस बात को डिक्लेयर किया कि देखिए ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स इंडिया में राज पे तब आ पाए हैं जब इनको इंडियंस का सपोर्ट मिला है, और आज की डेट में ये ब्रिटिशर्स इंडिया में सर्वाइव भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस का कॉपरेशन इनको मिल रहा है। अगर इंडियंस अपना कॉपरेशन देने से मना कर दें तो ब्रिटिश राज एक साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा इंडिया में। अब जैसे ये स्टेटमेंट अपने हिंद स्वराज नाम की किताब में महात्मा गांधी जी ने दिया, सबको लगा कि जब भी स्वराज शुरू होगा एक साल के अंदर हमको आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी ने एक बात यहाँ पे बोली है कि अगर सारे इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना बंद कर दें, बट ये बहुत आइडियलिस्टिक सिनेरियो था, उस समय पे सारे इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना बंद कर दें ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट कैसे बना। तो गांधी जी का द्वारा शुरू किया गया मूवमेंट थोड़े थोड़े स्टेजेस में आगे बढ़ेगा। शुरुआत में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबको ये नारा दिया कि गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टाइटल्स को छोड़ दीजिए, अगर आप किसी सिविल सर्विस में या आर्मी में, पुलिस में, कोर्ट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित किए गए स्कूलों में पढ़ रहे हो, फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इन सबको बॉयकॉट कर दो। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ डील करना या किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल करना आप छोड़ दो। तो अगर ब्रिटिशर्स ने कोई गुड बनाए हैं, फॉरेन से कोई कपड़ा बन के आया है, उसका इस्तेमाल करना छोड़ दो। ब्रिटिशर्स ने कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किए, उसमें जाना छोड़ दो। अगर आपको ब्रिटिश डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है उसको छोड़ दो। ब्रिटिश द्वारा इस्टेब्लिश्ड कोर्टों में काम करना छोड़ दो। इस प्रकार की यहाँ पे डिमांड की सर यहाँ पे गांधी जी ने, ओके। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया महात्मा गांधी जी के द्वारा कि अगर सरकार यहाँ पे रिप्रेशन करेगी तो हम फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। मतलब शुरुआत में फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन नहीं लॉन्च किया गया, लोग सड़कों पे नहीं उतरे। शुरुआत में लीडर्स ने जितने भी इंडियंस थे जो कि अंग्रेजी सरकार की मदद कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, पॉलिटिक्स को चलाने में, उनको ये कॉल दी कि अंग्रेजों को मदद करना बंद कर दो। बहुत सारे लोगों ने मदद करना बंद कर दिया, और इस एजेंडा को फैलाने के लिए 1920s में महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे देश में घूमे और लोगों को अपने एजेंडा के बारे में बताया। लेकिन जब इस प्रकार के प्रपोजल सामने रखे जा रहे थे तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग परेशान थे। कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जो कि काउंसिल इलेक्शंस के बॉयकॉट से खुश नहीं था, वो कहीं ना कहीं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनना चाहते थे। कुछ लोग मजे के लिए बनना चाहते थे और कुछ लोग सच में ये समझते थे कि अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर बन जाते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रह के हम ब्रिटिशर्स को ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होगा ही नहीं तो ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से सब कुछ करने लगेंगे। तो काउंसिल इलेक्शंस को जो बॉयकॉट करने वाली बात थी, कांग्रेस के अंदर एक तबका था उसको समझ में नहीं आ रही थी। बट फिर कांग्रेस के अंदर एक और तबका था, वो ये भी बोल रहा था कि इस प्रकार का जो आप मूवमेंट शुरू कर रहे हो जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज तरीके से बॉयकॉट कर रहे हो, इसके खिलाफ रिप्रेशन आ सकता है सरकार की तरफ से। और ये जो रिलीजियस मुद्दे के बेसिस पे आप लोग मिला रहे हो कि भाई खिलाफत इशू को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह सकते हो कुछ रिलैक्सेशंस मांग रहा है, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ ये खिलाफत वाले इशू को आप मिला रहे हो, तो ये दोनों इश्यूज एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये बात उस समय पे बहुत लीडर्स ने पॉइंट आउट की, ये बात गांधी जी को भी पता थी, लेकिन गांधी जी किसी भी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी को इसके पोटेंशियल रैमिफिकेशंस नहीं पता थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने मिला दिया। और बाद में आप देखोगे कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के कम्बाइंड मैनर के अंदर आगे बहुत जगहों पे आपको कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने डिस्कशंस के दौरान पॉइंट आउट किया भी था। लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर इस टसल के बावजूद भी कांग्रेस का जो सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और नॉन कॉपरेशन के प्रोग्राम को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। ठीक है,
अगर आप बात करो तो ये मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, कौन कौन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन के आइडिया को कंसीव किया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। अलग अलग जो स्टैंड्स थे इस मूवमेंट के अंदर उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात शुरू करते हैं।